व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज की डेट में हम अपनी कंट्री में बहुत शांति और अमन से रह रहे हैं। जो भी हम लोग चाहे, जो भी चीज चाहे, हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। हम हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ में। हम कहीं पर भी घूम सकते हैं आसानी से। हम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से इंजॉय कर पा रहे हैं। पर लेकिन रीजन क्या है उसके पीछे? उसके पीछे है वो जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमको सिक्योर रखते हैं। हम लोग शांति से सोते हैं और आराम से उठते हैं मॉर्निंग में, और जो भी हम लोग करना चाहे कर सकते हैं। पर लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये वही जवान है जो हर एक त्योहार पर अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, और कभी भी ये जो इनको जरूरत होती है टाइम पर अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते हैं। इनको एक प्रॉपर छुट्टी दी जाती है, उसी ड्यूरेशन में वहां पर जा सकते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो। पर लेकिन हम अपनी लाइफ को बड़ी आसानी से इंजॉय कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन आप लोगों की जो इंजॉयमेंट है वो इस रीजन पीछे है, हम लोगों के जो जवान है। पर लेकिन जब ये जवान शहीद हो जाते हैं, जब ये अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं हमारे ऊपर, तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। जी हाँ, वही दायित्व आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि हमारे भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है। मान लीजिए कोई जवान शहीद हो गया, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके पेरेंट्स होंगे जो कि उसके ऊपर डिपेंड है। अब उनकी लाइफ में कोई भी कमाने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का और गवर्नमेंट का और हम लोगों का यहाँ पर एक की ड्यूटी आप लोग बोल सकते हैं बनती है कि हम लोगों को अब उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। तो इसी के लिए आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक स्कीम चला रखी है जिसमें हम लोग जाकर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं भारत के वीर के नाम से। यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आप लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और कितना कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर मैं आप लोग यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। डिटेल में सुनिएगा और शांति में सुनिएगा। अगर आप लोग एक रुपया भी यहाँ पर जाकर पे करेंगे तो वो भी काउंटेबल होगा। हर एक इंसान, अगर जितने भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर एक एक इंसान एक एक रुपया भी अगर यहाँ पर जाकर पे कर रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फायदा उनकी फैमिली को पहुंच सकता है जिनकी फैमिली में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है और उन्होंने जान दे दिया किसके लिए, हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो शेयर नहीं करना है तो आप लोग जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है ये समझाइएगा उस इंसान को जो कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, और इस बात को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा। देखिए, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैलती है जरा सी देर में, पर लेकिन जब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की बात आती है तो पता नहीं हम लोग क्यों कतराते हैं शेयर करने से। तो कम से कम आप लोग शेयर कीजिएगा, और आप लोग ये ड्यूटी है, तीन फ्रेंड और मिलकर आप लोगों को यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना है, मतलब आप लोगों को खुद कंट्रीब्यूशन देना है और कम से कम अपने तीन फ्रेंड को मनाना है कंट्रीब्यूट करने के लिए। एक रुपया भी अगर आप लोग पे करेंगे तो वो काउंट होगा, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मिनिमम कम से कम 10 रुपीज तो आप लोग पे कर ही सकते हैं। अब करना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर आप लोगों की ड्यूटी है कि तीन फ्रेंड को आप लोगों को और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करवाना है, ठीक है? तो इतना आप लोगों की ड्यूटी है। बाकी आप लोगों को मैं पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ, वेबसाइट पर आप लोगों को लेकर चलता हूँ, पूरा डिटेल में आप लोग समझ पाएंगे ताकि आप लोग आसानी से कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जाकर दे सकें। तो जैसे ही आप लोग उस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आप लोग एक आवाज सुनाई देगी, आप लोगों को ट्यून सुनाई देगी जो कि आप लोग बैकग्राउंड में सुन भी रहे होंगे। तो आप लोगों को वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, ये इस तरीके कुछ वेबसाइट आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये कंप्लीट वेबसाइट है। यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोगों को पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोवाइड करा रखी है, गाइडलाइन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। आप लोग 1 रुपए से लेकर 15 लाख तक का डोनेशन आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अब डोनेशन कैसे कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, मैं आप लोग कंप्लीट आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर आप लोग जैसे यहाँ पर जाएंगे कंट्रीब्यूशन के बटन पर, तो आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ ऐसी पिक्चर यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। ये जो ट्विन आप लोग अभी सुन रहे थे कंटिन्यूस चलती रहेगी, मैंने इसको बंद कर दिया ताकि आप लोग मेरी आवाज क्लियर सुन सके यहाँ पर, ओके? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी जवान है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे जवान है जो कि शहीद हुए हैं हमारी कंट्री में हम लोगों की रक्षा करते हुए। तो अब आप लोगों की और हम लोगों की ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इनकी फैमिली को सिक्योर करें। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी जवान के लिए आप लोग यहाँ पर खुद चूज कर सकते हैं किसको आप लोगों को कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है? तो जिस भी जवान पे आप लोग जाकर क्लिक करेंगे तो उस भी जवान को जाकर आप लोग कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये जवान आप लोगों ने चूज कर लिया, इनको आप लोगों को कंट्रीब्यूशन देना है, तो आप लोग जाकर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा इनका नाम क्या है, क्या ये थे यहाँ पर कांस्टेबल थे, यहाँ पर शहीद हुए हैं आप लोग देख सकते हैं 2016 में जून में, इनकी एज कितनी थी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ये किस फोर्स से रिलेटेड है, तो सीआरपीएफ से रिलेटेड है। आखिर सोचने वाली बात क्या है, वो है यहाँ पर ये, इनकी माताजी इनके ऊपर डिपेंडेंट थी और इनकी फैमिली में और कोई नहीं है जो इनकी माताजी को सपोर्ट कर सके, मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं इनकी शादी भी नहीं हुई है वरना यहाँ पर वाइफ भी आती, तो अब इनकी माताजी अकेली रह गई हैं। अब इनकी माताजी की देख रेख करने का जुम्मा गवर्नमेंट का और हम लोगों का है, तो हम लोगों को यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देकर इन लोगों को सपोर्ट करना है ताकि अब इनकी माताजी जो है जिन्होंने हमारे ऊपर अपने बेटे को नौछावर कर दिया, कम से कम अब उनकी लाइफ जो है थोड़ी अच्छी चलती रहे। ये इन्फॉर्मेशन है क्या क्या इनके साथ में घटना हुई थी जिसके कारण इनकी लाइफ चली गई, ये आप लोग हिंदी में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्लिक करने के बाद में, ओके? नेक्स्ट जब आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को ऊपर कंट्रीब्यूशन का बटन यहाँ पर दिखाई देगा, आप लोग जाकर यहाँ पर देख सकते हैं
कंट्रीब्यूशन आप लोग यहां पर दे सकते हैं। यहां पर आप लोग जैसे ही जाएंगे ये वाला पेज आप लोगों के सामने खुल के आएगा। यहां पर ये जवान की इमेज रहेगी, यहां पर नाम रहेगा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं फोर्सेज, और यहां पर डेट रहेगी उनकी जिस दिन वे शहीद हुए थे, और यहां कंट्रीब्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी। एक रुपए से लेकर आप लोग यहां पर 15 लाख तक का यहां पर पे कर सकते हैं, पर लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट है तो मिनिमम 10 रुपए आप लोग पे कीजिएगा, और अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मिनिमम आप लोग कम से कम 500 रुपए पे कीजिएगा, ठीक है, कि कुछ यहां पर कंट्रीब्यूशन पहुंच जाए इनकी फैमिली को। इनकी माता जी आप लोग देख सकते हैं उनके ऊपर उनके पास में कुछ भी अब कमाने का साधन नहीं है। मान लीजिए आप लोग यहां पर 500 आप लोग यहां पर पे कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग प्रोसीड करेंगे तो आप लोग यहां पर आगे पहुंचेंगे, और जैसे आप लोग आगे पहुंचेंगे यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसा यहां पर नजर आएगा। यहां पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद में ये सिक्योरिटी कोड डालना है यहां पर। जैसे आप इसको सेंड ओटीपी की बात करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आप लोग यहां पर वेरीफाइड हो जाएगा। अब उससे आगे का क्या प्रोसीजर है मैं आप लोग यहां पर समझाता हूं। ये देख सकते हैं जैसे आप लोग यहां पर कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आप लोगों का नाम आएगा, यहां पर मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने सारी यहां पर इन्फॉर्मेशन ये मेरी थी इसलिए मैंने यहां पर छिपा रखी है। यहां पर नाम आएगा आप लोगों का, यहां पर आप लोगों की ईमेल आईडी आएगी, यहां पर मोबाइल नंबर आएगा, यहां पर इमेज आएगी जवान की जिसको आप लोगों को कंट्रीब्यूशन देना है, यहां पर फोर्सेज आएगा, यहां पर डेट आएगी और कितना अमाउंट आप लोग पे कर रहे हैं वो आएगा, यहां पर फिर से आपका नाम आएगा और यहां पर आपकी ईमेल आएगी, फिर आप लोगों को कंट्रीब्यूशन के बटन पर क्लिक करना है, तो फिर आप लोगों के सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। ठीक है, आप लोगों को यहां पर एक बैंक चूज करना है, या तो आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, कोई और बैंक चूज करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे तो सारे बैंक खुलकर आ जाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जिस तरीके से आप लोग फॉर्म भरते हैं पे करते हैं बिल्कुल ऐसे ही आप लोग यहां पर भी पे कर सकते हैं। जब आप लोग यहां पर कंप्लीट अपना प्रोसेस कर पाएंगे तो आप लोग कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ आएगा, यहां पर आप लोग कंट्रीब्यूशन आईडी, ट्रांजेक्शन वगैरह आप लोगों का रहेगा, डेट रहेगा और ये सब रहेगा। और इसके साथ में आप लोगों को यहां पर अक्षय कुमार जी भी नजर आएंगे जो कि आप लोगों को थैंक्स बोलते हुए यहां पर नजर आएंगे। देख लीजिए, दिखा देता हूं आप लोगों को, वो भी आगे में यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर ऐसे कुछ। पर लेकिन ये एसएमएस आप लोगों को तभी दिखाई पड़ेगा जब आप लोग यहां पर कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये कंप्लीट यहां पर आप लोगों को प्रोसीजर देखने को मिलेगा। इसके बाद में एक स्टेप यहां पर और बच गया है, वो स्टेप है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया ना तो क्लिक करके आप लोग यहां से वो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों के सामने आएगा कि आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, यहां पर आपकी आईडी वगैरह रहेगी और यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी फोर्सेज हो गई, तो ये आप लोगों का कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, देखिए प्लीज आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि यहां पर इनसे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहां पर पहुंच सके, और यहां पर जो जवान है जिनकी माता इनके ऊपर डिपेंड है और उनको कमाने वाला घर में नहीं रहा है तो उनको कुछ ना कुछ फायदा पहुंच सके। तो ये वीडियो जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा देखिए यहां पर हमारे जो जवान है जो शहीद हो चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उनकी फैमिली जो है एक अच्छा जीवन अब निर्वाह कर पाएगी। तो ये ड्यूटी बनती है अब आप लोगों की और हम लोगों की। तो देखिए जो मेरी ड्यूटी थी मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों तक बात पहुंचा दी, अब आगे आप लोगों की ड्यूटी बनती है, खुद तो आप लोगों को करना ही करना है काम। इसके अलावा 3 कम से कम आप लोग और पकड़ लीजिएगा, 3 या 4 जितने भी आप लोग अपने फ्रेंड हो सकते हैं उनसे कंट्रीब्यूशन करवाएगा और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कीजिए ताकि इनकी फैमिली अब इंजॉय कर सके, अपनी लाइफ को एक शांति में जी सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए जरूर चीजों को शेयर जरूर कीजिएगा जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं इस तरीके के लेक्चर लेकर आऊं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, पर लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग चीजें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा फेसबुक वगैरह पे और जहां पे भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर उनको बताइएगा इन्फॉर्मेशन खुद से कि आप लोग ऐसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।